स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपना प्रैक्टिस सेट देखेंगे, यानी आप अपनी तैयारी करेंगे। आपसे इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट मिल चुके हैं तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, जाकर देखिए और अपने प्रैक्टिस सेट के द्वारा अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट देखते हैं। आज के जो हमारे क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस सेट में क्या क्या होंगे तो उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपसे पूछा गया, तो चलिए बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। नालंदा था, तक्षशिला था, वैशाली था, उज्जैनी था। जल्दी बताइए, आपके पास टाइम खत्म होने वाला है। तो इसका आंसर होगा तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, सांची का स्तूप किससे ने बनवाया था। तो वो सांची का स्तूप किसने बनाया था, गौतम बुद्ध ने बनाया था, क्रोस ने बनाया था, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आपको बताइए, आपके पास टाइम स्टार्ट हो गया। जल्दी बताइए, सांची का स्तूप किसने बनाया था। सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे जो इसमें सबसे महान शासक मिले वो इसका आंसर होगा, यानी कि अशोक ने। सांची का स्तूप आ जाए तो अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य की बात लेट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने काम किए हैं पर स्तूप स्तूप बनाने के, कुएं पुए बनाने के जो काम है, इस तरह काम है, वो किसके माने जाते हैं, तो वो है अशोक के। इस चीज़ का ध्यान रखना, सांची का स्तूप हो गया अशोक, यानी स्तूप की बात आ जाए, कुछ काम करने की बात आ जाए तो वो अशोक की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना चाहिए किसने की थी, जल्दी बताइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी पढ़ा है हमने, अभी बिल्कुल अभी, जल्दी बताइए। तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने, कश्मीर की और श्रीनगर, या इस तरह का आ जाए तो कश्मीर आ जाए या श्रीनगर आ जाए तो अशोक लगा देना, ठीक है। काव्य वंश के संस्थापक कौन है, तो जल्दी बताइए, आपको चार ऑप्शन मिले, नारायण, शुद्ध शर्म और, जल्दी बताइए, आपका टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या है इसका आंसर, वसुदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं, पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है, जल्दी बताइए। पाटलिपुत्र का है, पंजाब का है, पेशावर का है, पटना का है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर पांच का आपको बताना है, तो इसका आंसर बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चरक किसके राज चिकित्सक थे, यानी चरक जो है, चरक की जो संहिता है, क्या नाम है उसका, चरक साहित्य। तो चरक साहित्य किसने लिखी आपको बताना चाहिए, चरक ने लिखी। और चरक किसके शासन काल में थे, जल्दी बताइए, आपका टाइम स्टार्ट हो, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्ष के, कनिष्क के, किसके राज चिकित्सक थे, यानी कि फैमिली एक तरह से डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, तो वो किसके थे, वो थे कनिष्क के, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीन, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी। तो बताइए, भारत में स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी, कुषाण शंख, किसने करी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो ब्रेटियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, भारतीय रंगमंच में यूनिक का शुभारंभ किसने किया था। तो यूनान ने, कनिष्क ने, अशोक ने, जल्दी बताइए। आपको ऑप्शन में इसलिए नहीं बताता क्योंकि देखिए ऑप्शन में कभी कभी हम भी उस दौर से निकले हैं, ऑप्शन बताते बताते भी आंसर निकल जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑप्शन बता दे, मैं थोड़ा सा रोकता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यूनानी। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, चरक और नागार्जुन किस
किसके दरबार की शोभा थी, यानी कि किसके दरबार के लिए इम्पोर्टेंट पर्सन थे, एक तरह से शोभा, एक तरह से जैसे हमारे घर के लिए कोई बच्चा हो या कोई भी इम्पोर्टेंट आदमी होता है तो उसको हम एक तरह से इम्पोर्टेंट मानते हैं, शोभा की हमारे घर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये किसका था, चलिए आंसर आपको बताइए। अशोक है, कुमार गुप्त है, कनिष्क है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चरक, और अभी पढ़ा है बिल्कुल अभी अभी चरक वाला क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए चरक और नागार्जुन। तो देखिए चर, अगर एक ही चीज़ देखिए इसे ये भी आपको ना पता हो तो चरक तो आपको पता ही है। ओके, चरक किसकी है, चरक की है चरक संहिता, और चरक संहिता का अभी हमने कहाँ पढ़ा, कनिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इनमें से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी, तो मौर्य थे, सुंग थे, ग्रीक थे या कनिष्क थे। तो और चलिए किसने चलाई थी जल्दी बताइए बड़े पैमाने पे, तो वो आपको पता होना चाहिए किसने थे, तो वो थे ये देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिष्क शासन, सॉरी कृषक शासन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराए थे, तो वो किसने कराए थे जल्दी बताइए, कुमार गुप्त, कनिष्क, अशोक या मौर्य। जल्दी बताइए कि भारत के रेशम जो महान रेशम सीधे सीधे रेशम मार्ग किसने कराए थे, तो वो थे कनिष्क। कनिष्क के बहुत सारी चीज़ें थी, देखिए कनिष्क का जो चरक संहिता वाला टाइम था, यानी कि चरक संहिता वाला टाइम था वो भी इम्पोर्टेंट था, और बहुत सारे काम करने कराए हैं कनिष्क ने, तो इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक का नाम ही मिलेगा, कनिष्क और अशोक का ज़्यादा नाम मिलेगा, क्योंकि उसके देखिए एक अशोक के टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे कालाशोक, तो इनके टाइम पे बहुत संगति भी हुई है, इनका भी ध्यान रखना, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया, तो जल्दी बताइए किसने किया था, आगे टाइम स्टार्ट होता है सुंग वंश के बाद किसने किया था जल्दी बताइए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कुणा। चलिए कुणाओं के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस चीन जनरल ने कनिष्क को हराया था, यानी किसने हराया था, किसने हराया था चलिए आप बताइए किसने हराया था, तो इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेन चाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये एक दो बार पूछा गया तो किसने हराया था, तो देखिए जो महान शासक होता है उसका, जैसे कनिष्क हो गया, अशोक हो गया, अशोक को तो किसी ने हराया ही, ठीक है बहुत सी लड़ाई लड़ी उसने, पर कनिष्क के जैसे क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से यूपी में इस तरह का पेपर है और ये जो इस तरह की जगह पेपर है तो वहाँ इनको अच्छा मानते हैं या फिर एक तरह से रॉयल्टी का प्रतीक मानते हैं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्राचीन भारत में उनमें से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, तो नियमित रूप से किसने चलाए थे जल्दी बताइए आंसर, कनिष्क ने चलाए थे, सातवाहन, शंग किसने चलाए थे जल्दी बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुषाण ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कुषाण ने, कुषाण, सातवाहन, संगवा, ये तो जाता कुषाण। चलिए तो एक जो मैं कन्फ्यूजन शुरुआत से बता रहा हूँ, कुषाण, कनिष्क, बिंदुसार और बिंबिसार, ये दोनों जो चीज़ें कन्फ्यूजन कर देगी आपको, इसलिए इस चीज़ को पहले से अलग लेके चले। चलिए तमिल के गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, तो वो है जल्दी बताइए, तमिल के जो गौरव ग्रंथ जीवक यानी जीविका चिंतामणि किससे संबंधित है, इससे आपको बताना है, तो इसका आंसर बताइए, ये है जैन धर्म से संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये
क्वेश्चन जो है कई बार KVS में पूछा गया था, यानी कि इसलिए थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है जो यूपी के पेपर में नहीं मिलेगा आपको। चलिए, और एक दो बार SSC PSSC में भी पूछा गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो चलिए बताइए, टाइम स्टार्ट होगा आपका। जल्दी बताइए, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या कह रहा है? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो जल्दी बताइए, चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। चंद्रगुप्त, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा समकंदगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? चलिए बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। बहुत शिव, विष्णु या फिर सूर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आपका टाइम स्टार्ट होता है, विष्णु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? जल्दी बताइए, तो आपको सबको पता ही होगा। तो किसने किया था? अगर ये क्वेश्चन नहीं पता और आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो फिर तो आपकी हिस्ट्री पढ़ना बेकार है। जल्दी बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं हमारा, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो दिलवाड़ा का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए, अब आपका टाइम स्टार्ट होता है। जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आबू पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारे प्रैक्टिस सेट के जो 20 क्वेश्चन थे हमने देखे, और इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो TGDU PGDU में कई बार आ चुके हैं वो क्वेश्चन मिले हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें और प्रैक्टिस सेट में अपनी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट रखें। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, और एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।